नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। क्रांति की आंधी कहे या फिर एक जोशीला आंदोलन, द कश्मीर फाइल्स अब महज फिल्म बनकर नहीं रही। बॉक्स ऑफिस पर दिन ब दिन द कश्मीर फाइल्स को कामयाबी मिल रही है। कश्मीरी पंडितों की जैसे हत्या की गई, अपराध के सारे हदों को पार किया गया। ये फिल्म 1990 के उसी दर्द को दिखा रही है। वो दफन राज दुनिया के सामने आ चुका है। आंखों में आंसू लिए दर्शक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे। ऐसे में जहां इस कम बजट की फिल्म को उतना प्रमोट नहीं किया गया, जहां खुद फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दावा करते हुए बताया कि द कपिल शर्मा शो और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने उनके फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया था, लेकिन यहां प्रमोशन के बावजूद द कश्मीर फाइल्स धमाल मचा रही है। लेकिन इस बीच इस फिल्म की कामयाबी में एक अहम मोड़ आ गया है। जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी फिल्म को प्रमोट खुद जनता कर रही है। फिल्म में नजर आ रहे अनुपम खेर के चेहरे पर ब्लू पेंट है। ठीक ऐसे ही सड़क पर निकले युवा अपने मुंह पर पेंट लगाकर फिल्म को देखने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में शहर शहर से द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए लोगों के सामने फिल्म की सच्चाई बताई जा रही है। दरअसल फिल्म में अहम किरदार निभा रहे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा की, जिसमें साफ नजर आया कि किस कदर देश के युवा और तमाम दर्शक द कश्मीर फाइल्स की फिल्म से बेहद प्रभावित हुए हैं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अपराध ने सभी की आंखों में आंसू दिए हैं। बता दें कि जिस तरीके से फिल्म को आम जनता प्रमोट कर रही है, उस पर एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, फिल्म देखने के बाद नीला रंग भावुक कर देता है, ओम नमः शिवाय। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, जब से देखा तब से यही कह रहा हूँ, यह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक क्रांति है जो निश्चित रूप से हम सभी को एकजुट करेगी। इसी क्रम में इंस्टाग्राम पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा, दर्शकों को प्रचार करते हुए कभी नहीं देखा, मुझे लगता है कि यह बहुत कुछ बोलता है। जबकि कमेंट बॉक्स में एक अन्य यूजर ने लिखा, यह फिल्म नहीं है, ये सच है हर हिंदू की जिन्होंने यह दर्द को सहा है। सभी देखे फिल्म या सबको साथ लेकर जाए, जय श्री राम। फिल्म से प्रभावित लोग जमकर द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। जहां एक यूजर ने लिखा, यह सिर्फ अब फिल्म नहीं है, यह अब क्रांति है। अब यहां आपको बता दें कि जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे फिल्म पर चुप्पी साधे बैठे हैं, उस पर भी यूजर्स का आक्रोश सामने आ रहा है। और कपिल शर्मा को लेकर हुए विवाद की जानकारी जब से सामने आई है, हर तरफ इन्हें बॉयकॉट करने की मांग हो रही है और द कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्मों को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।